caught behind. Assalamu alaikum ji, aap dekh rahe hain caught behind. Salaam nahi karni bhai abhi aapko. Waalaikum salam. Pehle kar liya karenge. Aur ye janab hamare super duper star. Maine mega star. Ya mega star aap kahe meri taraf se super duper star the man. Sharma gaya. The man. Acha mujhe batao Sharjeel ne kya bana? Haan, Sharjeel ko ijazat mili ke wo club cricket khel sakte hain. Time kyun zaya kiya usne? Aur tehqeeq karne mein ye pata laga ki unhone khaam ka time zaya kiya. Shoaib ki baat time kyun zaya kiya usi din usi phir hum accept kar lete Dubai mein ya Lahore aake to time bach jata. Jo zaya ho gaya time wo bach jata. Ab tarika ye hoga ki unhone accept kiya, accept karne ke baad unko ek performance diya gaya, us performance mein bhi nahi maan rahe. और वो गलत हो गया. फिर दूसरी दफा परफॉर्मा दिया गया तो फिर वो पीजी में खुद लिखा होगा. फिर उसने पास हुए हैं और अब उन्होंने तीन लेक्चर्स देने हैं. एक भावलपुर में होगा, शायद एक लाहौर में होगा, इस तरह ऑन एंटी करप्शन. अनफॉर्चुनेटली इस साल डोमेस्टिक सीजन नहीं खेल सकते इन लोगों की वजह से. मिसबाह हक, राशिद लतीफ, इन लोगों ने वो जो एक ग्रुप बना दिया. जानना चाहता हूँ. बिल्कुल. सवाल बताएं क्यों? सवाल ये है कि ऑब्वियसली आप लोगों ने अनाउंस कर दिए हुए हैं तो नाउ ही कैन नॉट कम. उसको पीसीबी ने अलाउ किया था? नहीं. तो कैसे ले सकते? ठीक हो गया. कॉमन सेंस इतना कॉमन है नहीं. आपने सवाल मोड़ दिया सिर्फ मेरे बैंड बजाने के लिए. मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप दो माह पहले पीसीबी ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला था जिससे उसका सिलेक्शन हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो कैसे सिलेक्ट हो सकता है? चले पीएसएल के ड्राफ्ट में आ सकते हैं शोएब अख्तर. वो पीएसएल के ड्राफ्ट में आने के बाद वो खेल भी जाएंगे और पाकिस्तान टीम में भी आ जाएंगे. नहीं तो कौन सी फ्रेंचाइज उठाएगी? इस्लाम यूनाइटेड के लिए तो सलमान बट आ सकता है, तो वो नहीं खेल सकता. हर नहीं सारी फ्रेंचाइज सबसे हॉट प्रॉपर्टी शर्जील होगा. आपको क्या हो गया? वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स. अच्छा अगर आप शुरू देखें कि ये आए और ऑब्वियसली इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन सारा कुछ ब्रिलियंट था, लेकिन शायद अंदर के गेंद पे थोड़े श्रीलंका के गेंद एक्सपोज हुए शुरू में. फिर इन्होंने इम्प्रूव किया और फिर तहलका मचाया. सो प्रोबेबली द जेन्युइन पावर हिटर जो टॉप ऑर्डर थे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया में कमाल किया इन्होंने. और भाई उसकी जरूरत तो पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी. कुछ लोग नाराज हो जाएंगे और नाराज होते रहे क्योंकि उनपे प्रेशर आ जाना है कि शर्जील ने अगर ये सीजन खेल जाता या पीएसएल अभी खेलता है तो आई थिंक ऑटोमेटिक सिलेक्शन. बट टेक्निकली तीन खब्बे हैं, एक ने दो को रिप्लेस करना. एक ने दो को रिप्लेस करना वो हो गया. शर्जील, बाबर, नंबर तीन उमर अमीन, वो भी सर करेगा तो आपकी वो भी दबा हो गया. ओ इंटरेस्टिंग है सर. इंटरेस्टिंग. और ये पाकिस्तान का फायदा होगा मेरे ख्याल में, इनके आने से माइंड सेट भी चेंज होगा. देखिए तगड़ा प्लेयर है वो. हम लोग मुखालफत करते हैं लेकिन हर चीज हो रही है यहाँ पे. अगर इजाजत दी है पीसीबी ने, आईसीसी ने, एक टाइम लिमिट है. हाँ. उस पर बस अफसोस ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उस पर टाइम जाया हो गया इनका. सलमान बट का भी यही हुआ था, बहुत लेट कर 18 महीने लगा दिए थे उन्होंने. तो सेम चीज शर्जील ने की है. होप के आपके ख्याल में जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में आपके ख्याल में जैसे उमर अमीन का एक मेंटल ब्लॉक आ गया था कि जी ये पाकिस्तान खेलता है और ये परफॉर्म नहीं कर पाता. हालांकि वो गलत बार हुआ न्यूजीलैंड में T20s में परफॉर्म करने के बाद. फर्क नजर नहीं आया. जो 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 मुद्दा रखा गया था ना टीम मीटिंग में 2010-11 में, मैं वहीं था. फर्क नजर नहीं आ रही यार. टैलेंट है, दलेर नहीं है, मजा नहीं आया. कोई इसने तबाही शही नहीं मचाई. तो अब ये जो तबाही अब मचा रहा है ना, थोड़ा सा उसका आधा शो कर देता ना तो 5 साल खेल जाता. बट नाउ आई थिंक उमर अमीन इज फार मोर बेटर प्लेयर देन कपल ऑफ देम. T20 में कौन? हारिस. ठीक हो गया. क्या बैठे रन बॉल. अच्छा मतलब वैसे हारिस वनडे और टेस्ट मैच का बहुत अच्छा प्लेयर है. ऐसा नहीं है कि हम उनको राइट ऑफ नहीं कर रहे उसको. लेकिन भाईजन अब तो तीन एक तरह के रन बॉल हो गए T20 टीम में. शर्जील पे बात कर रहे ना, इसको किस तरह से आएगा तरीका बता देना. रिहेबिलिटेशन होगी? रिहेबिलिटेशन तो जी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और अब अपना तीन उन्होंने लेक्चर्स देने हैं जो एंटी करप्शन पे वो देंगे और उसके बाद इज एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द पीएसएल. डोमेस्टिक सीजन इस साल नहीं खेल सकते बिकॉज वो आपके रूल्स ऐसे हैं और नेक्स्ट ईयर वो खेल सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी और पाकिस्तान से खेलने भी होगी. अब लेक्चर ठीक दे दे. ओके एक फेमस स्टार था उससे पूछा वो लेक्चर देने आया एंड उसने लेक्चर दिया तो लेक्चर से पहले कहता लिसन आई एम हियर टू गिव यू लेक्चर अबाउट द ड्रग्स नेवर बाय ड्रग्स व्हेन यू गेट फेमस यू गेट फॉर फ्री. किसी का लेक्चर दिया तो शर्जील गुड प्लेयर और कोशिश कर सही सही चीजें कर. अभी भी 10 साल पड़े हैं और पाकिस्तान को
वर्ल्ड कप में बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को 2 सालों में। थोड़ा सियाणा बंदा होता ना, मेरी बात सुनो, मान मेरी बात सुनो, पागल ना बनो, थोड़ा वो सियाणा बंदा होता तो बुला लेते सलमान आसिफ को, जब कह रहे हैं हारून लगाट ले जाओ उनको इंग्लैंड से, बचा लो, खत्म कर लो, खत्म उधर कर लें जो करना। स्कॉटलैंड यार ने ना पासपोर्ट रख लिए थे, ये नहीं नहीं ये वो बहुत बात की बात है भाई, बहुत बात की बात। अच्छा लेकिन इसमें एक हारून लगाट एक्चुअली फेवर्ड अस कि आप इनको ले जाओ और हमारा बस वो अजीब से। लेकिन शुएब भाई केस गलत प्लीड हुआ था, ये जो ये भी बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्रिमिनल ऑफेंस उस वक्त होता है जिस वक्त ये एक्चुअल ऑफेंस होता है, ये प्लांटेशन थी बाय अ न्यूज़पेपर। यस, सो स्कॉटलैंड यार्ड का कोई वो नहीं था, नहीं कुछ। दूसरा याद रखिएगा, ये सही कह रहा है कि आईसीसी लेजिस्लेटिव बॉडी है, गवर्निंग बॉडी पीसीबी था, बोर्ड था। सो देखो रे आस्क ये द बुला ले, मैच फिक्सिंग नहीं था, स्पॉट फिक्सिंग फ्रॉडिंग पे था, डिफ्रॉडिंग द बुक मेकर, द बुक मेकर। लेकिन वो प्लान ही हुआ था, इसका पुलिस केस होता है। नहीं नहीं बट राशिद भाई ये किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, फुटेज में हिस्सा नहीं है। हाँ इन्होंने शायद कहा है, नहीं कहा वो हमें कुछ सही है, ठीक है। अब फुटेज मिल जाता तो डिफॉल्टिंग में आता कि तूने इस लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक तूने गलत किया, चलो आज पकड़ लेते हैं। अच्छा इसी इसका भी शर्जील का भी अब नहीं, इसका जो हुआ है ना वो प्रूव हुआ है जब ही ये जेल गए थोड़े दिन के। जी 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 वो तो गए, वो बाद में तो वो नंबर वाले नोट निकले थे ना जो मार्क। पॉइंट आई वांटेड टू मेक, शर्जील को जब हमने बुला लेते थोड़ा सा उसको थप्पे थप्पे कराते और ठीक ठाक उसको फेंटा फूंटा लगाते, लेकिन अपना काम निकलवाते हैं 2-3 साल। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर पीसीबी का एंटी करप्शन अगर पकड़ता ना तो ये बचत हो जाती। ये आईसीसी का प्लान था तो उसकी वजह से आईसीसी का प्लान था या उसे बुक में बस फंस गए ना। वैसे एनीवेज तीन फंसे, आपने गौर नहीं किया, तीन फंसे क्या, तीन फंसे, अब गौर नहीं कर रहे इस खबे के होते सारे। और आगे चलते एनीवेज एक्सेप्शन सिर्फ मोहम्मद आमिर और अब मोहम्मद इरफान, दो एक्सेप्शन है। और इरफान का केस फर्क था क्योंकि इरफान का ये था कि ही हैडंट कमिटेड दिस, उसने डिले किया था बताने में, बट देयर वाज नथिंग प्रूवन अगेंस्ट हिम, उनको 3 महीने का बैन हुआ था इफ यू रिमेंबर। नहीं ज्यादा लगता है उसने, मोहम्मद नवाज भी थे, दुल्फिकार बाबर थे, नवाज थे, उसमें क्या है इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था। Okay. लेकिन यह है कि वो पीसीबी का इंटरनल मैटर था, वो आईसीसी का नहीं था, इस वजह से बचा। नहीं तो फिर शर्जील में आईसीसी ने रिपोर्ट कर दिया था, सर पकड़ा उन्होंने था ना, सो दैट वाज द रीजन। इसकी वजह से और आ जाए और बहुत बहुत कुछ अभी भी कर सकता है। जाते जाते बताएं मुझे कि क्यों हो रहा है ये, क्यों डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सके आप, एक एक सिस्टम नहीं दे सके कि लड़के अभी भी करप्शन कहीं रोक नहीं सकते पूरे माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान की दुनिया में, दुनिया ही में चल रहा है। ठीक है जो करे गलत उसको सजा दो, आगे मूव ऑन। अच्छा मुझे बताएं आपने, बट फिर ये है कि वो कहते हैं जी सजा दे दी वापस क्यों आता है, मॉरल ग्राउंड क्यों ला रहे वापस। अभी ये लॉज गलत बने हुए ना आईसीसी ने या पीसीबी ने जो भी बनाया है, इनको फिर करें जिस तरह न्यूजीलैंड ने और साउथ अफ्रीका ने किया है कि उनकी असेंबली में रूल पास हुआ है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में और यहाँ पे, अगर कि अगर ये पनिशमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो तो गुलाम मोदी किया है ना 5 साल, एंटी करप्शन का जो लॉज है उस पर नहीं यकीन करेंगे, करेंगे वहाँ की। लेकिन सर जाते जाते आपका भी एक लॉ था जो कि आपने वायलेट किया और कोई बोला नहीं, इसमें आईसीसी का कंसर्न नहीं था, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और नेशनल एक्ट के मुताबिक जो बंदा क्रिमिनल प्रूव हो जाए और जेल चले जाए वो कभी दोबारा ना गवर्नमेंट सर्विस कर सकता है ना कभी नेशनल कलर्स पहन सकता है। लंबी डिबेट है, ठीक है, लेकिन गलत है, गलत जो हुआ ये गलत हुआ ना शर्जील का जो है वो, और केस में गलती जो हुई है ना इनको अपने लॉयर लेना चाहिए था। खालिद और शर्जील का जो केस था ना जब इनको पकड़ा है वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उसको ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को नहीं मिलाया इन्होंने, ठीक ठीक है ना। क्राइम किधर हुआ है, यूएई में हुआ है, अगर यूएई की गवर्नमेंट को बताते हैं तो पीएसएल बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आके आप फिक्सिंग कर रहे हो तो उनको अगली फ्लाइट में लेके आ रहे हैं। सर एक मिनट, इन्होंने वॉयलेशन की कोड ऑफ कंडक्ट की, ये आ सकते हैं, ये पाकिस्तान भी खेल सकते हैं, मोबाइल नहीं खोल सकते यूएई के कानून के मुताबिक, मोबाइल नहीं खोल सकता उनका, वहीं पे मोबाइल खुला है, वहीं पकड़े गए, नेक्स्ट फ्लाइट पे यहाँ पे लेके आए और फिर काम गॉड बिहाइंड। Got banned.